दोस्तों मॉस्किटो रैकेट वाले वीडियोस में काफ़ी लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि बेस्ट मॉस्किटो रैकेट को दिखाइए, कौन सा सबसे अच्छा मॉस्किटो रैकेट है। तो ऐसे में मैं आज दो मॉस्किटो रैकेट यानी मॉस्किटो बैट जो है वो लेकर के आया हूँ। एक जो है काफ़ी पॉपुलर है जो अमेजोन पे, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यह है हिट। इसमें दोस्तों 6 महीने की वारंटी आती है और ये है दोस्तों आपका ओरिवा का ओ रैकेट। तो दोनों ही रैकेट को आज हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा रैकेट इन दोनों में बेटर है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे, और हाँ घंटी जरूर दबाइएगा नहीं तो अगला वीडियो जरूर मिस कर देंगे। तो चलिए दोस्तों पैकिंग काफ़ी अच्छी हिट ने कर रखी है, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं। काफ़ी इसके फीचर्स वगैरह लिखे हुए हैं, कुछ प्रिकॉशंस लिखे हुए हैं, जैसे कि इसे जब चार्ज करना है तो ऑफ करके ही चार्ज करना है, जो कि नॉर्मल हर रैकेट में ये प्रिकॉशन होना चाहिए। और इस तरह की यहाँ पे ब्रांडिंग है, 6 मंथ्स वारंटी काफ़ी बड़ा बड़ा हाईलाइट किया है। मुझे मिला है मात्र 470 रुपये में और इसका भी लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहाँ पर परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्ग बैटरी लाइफ दोस्तों लिखा हुआ है, 400 मेगा एम्पियर बैटरी दैट लास्ट अप टू 1 मंथ ऑन फुल चार्ज। मतलब एक बार अगर आप चार्ज कर दें तो 1 महीने तक रैकेट आपका बिना चार्जिंग के चल जाएगा, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। और दूसरा एक और खास फीचर है कि 3500 वोल्ट्स का इसमें डीसी डिस्चार्ज है, जो कि मॉस्किटो को एक साथ झटके में मार देगा। बाकी दोस्तों टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, हम लोग जल्दी से खोलते हैं क्योंकि कंपैरिजन में वैसे ही थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। यहाँ एक खतरनाक सी सील दी हुई है, जैसे ऐसा लग रहा है कोई बहुत महंगा वाला मोबाइल कोई पैक करके भेजा है, वारंटी वॉइड इस तरह की एक सील भेजी हुई है। चलिए इसको हमने खोल दिया है और ओके, इस तरह का ये बबल रैप में आया है और बबल रैप को हम निकालते हैं। और दोस्तों टेबल पे अनबॉक्सिंग हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि टेबल में मेरा चेहरा दिखता नहीं है, तो मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, और आपसे इंटरेक्ट करने का एक अलग ही मज़ा है। देखिए इस तरह का है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, हिट यहाँ पे एनग्रेव्ड है, ठीक है, और यहाँ पे एक हिट का एक और लोगो यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे एक सेलो टेप लगा हुआ है। सेलो टेप को हम लोग हटा देते हैं कि स्विच गलती से ऑन ऑफ ना हो जाए ट्रांसपोर्टेशन के वक्त। अंदर एक और हमें लग रहा है वारंटी कार्ड निकला है, या इसमें देखिए वारंटी किस तरह आपको क्लेम करनी है। लेने के 10 दिन के अंदर आपको यहाँ वेबसाइट पे रजिस्टर करना है इसके यूनिक आईडी कोड से, तो ये आपको रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है दोस्तों, नहीं तो हो सकता है आपको वारंटी क्लेम करने में अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको दिक्कत आए। ठीक है, इसका मैंने स्टीकर दोस्तों हटा दिया है और यहाँ पर इसका ये देखिए ऑन ऑफ का ये वाला बटन है, इंस्टेंट किल वाला, और यहाँ पे देखिए एक एलईडी ब्लू कलर की लाइट भी दी हुई है, जो कि रैकेट की तरफ ही जल्दी ब्लू लाइट वैसे मॉस्किटो को अट्रैक्ट करती है, ऐसा देखा गया है, और बीच में भी है। और ये देखिए चार्ज यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, तो अब लाइट जल रही है। हम लोग चार्ज को चेक करते हैं कि कितना भाई कितना तेज़ आवाज़ आती है। चलिए हम ये एक अपने पेपर कटर से चेक करते हैं। ओके ओके, चार्ज तो काफ़ी तेज है, और क्या है कि दोस्तों बिल्कुल टच ना करें तो भी दूर से भी थोड़ा डिस्चार्ज ये पकड़ लेता है, जो कि अच्छी बात है, मतलब काफ़ी तेज़ करंट दोस्तों बन रहा है। लेकिन इसका जो ये वाला जो साइज़ है ना, इसका जाल का जो साइज़ है, नेट का जो साइज़ है, ये मुझे नॉर्मल रैकेट जितना ही लग रहा है। चलिए इसे हम ऑफ कर देते हैं और अब हम निकालते हैं ओरिवा को। ओरिवा आपको ऑफलाइन सस्ता भी मिल जाता है, तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चेक कर लें, जहाँ से आपको कम में मिले वहाँ से लें। ओरिवा का दोस्तों ये देखिए ये मॉडल है, और ये देखिए जाल का साइज़ देखिए, और मुझे लग रहा है ओरिवा का जाल काफ़ी बड़ा है। लेकिन ओरिवा में भी एक थोड़ा सा मैं कहूँगा ड्रॉबैक है, यहाँ पे ब्रांडिंग कर दी थी तो इस जगह पे ब्रांडिंग की खास आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे लोगो देने से क्या होता है कि मच्छर अक्सर यहाँ पे टकरा के बच जाता है, अगर इस जगह टकराया तो फिर मच्छर उस बार तो बच जाएगा, मच्छर जो है कैविटी में जाना जरूरी है तभी वो काम करेगा। खैर ओरिवा मैं आपको अपने एक दूसरे वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, जिसमें मैंने 24 एनर्जी वाले रैकेट को मैंने कंपेयर किया था, और ये देखिए ओरिवा को इस समय मैंने चार्ज नहीं किया है, पिछले लगभग 2 हफ्ते से मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ और इसका भी चार्ज काफ़ी तेज़ है। तो बस दोस्तों यही था, ओरिवा में जो है आप बैटरी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल बैटरी नहीं है, ये आपको अलग से लेकर के आनी पड़ेगी। देख सकते हैं ओरिवा में भी दोस्तों ये क्लेम कर रहे हैं कि 400 मेगा एम्पियर की बैटरी है, और इसमें भी दोस्तों 3500 वोल्ट का तगड़ा करंट बनता है, जो कि मच्छर को मारने के लिए काफ़ी है। तो उठाने में मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दोस्तों, इसका प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा है, इसका वेट भी मुझे लगभग मतलब थोड़ा सॉलिड फील कर रहा है, लेकिन ये छोटा है, बस यही है। और इसका जो जाल बड़ा
है, तो जब आप ऐसे ऐसे करते हैं तो जाल थोड़ा बड़ा होने में थोड़ा फ़ायदा ही रहता है। वारंटी दोनों में बराबर है। और ईवा का मैंने जो मॉडल नंबर आपको दिखाया वो है ORMR007, और ये इस पर MRP दोस्तों पड़ी हुई है 345 रुपये, और ऑफलाइन ये आपको सस्ता मिल जाता है, ऑनलाइन का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ओके, नेट की चलिए क्वालिटी थोड़ा देखते हैं। और दोस्तों अगर कंपेयर किया जाए तो जो जाल की जो क्वालिटी है ना, तो वो थोड़ा सा बेटर है हेड की। इसमें जाल थोड़ा सा हल्का फील होता है, लेकिन ठीक है, आपको कोई कुश्ती थोड़ी लड़नी है। और देखिए बाइचा मच्छर आ भी गया सामने, और देखिए मैंने तो हम लोग मच्छरों को मारते ही नहीं, मच्छरों का अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। तो चलिए, इसकी ब्लू लाइट लेकिन काफ़ी मुझे सही लग रही। इसमें भी अगर लाइट दी रहती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि ब्लू लाइट जो है, जैसे रात रात में आप अपने अगल बगल रख के अगर सो रहे हैं तो ब्लू लाइट थोड़ी फ़ायदेमंद है। आपने लाइट जलाई तो मच्छर शायद खुद ही अट्रैक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा होना ज़रूर चाहिए। और दोनों रैकेट में एक आपको प्रिकॉशन लेना है कि चार्ज करते वक्त आपको ऑफ करके ही इसे चार्जिंग पे लगाना है, ताकि बाकी सर्किट जो है वो बचा रहे। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि ऑन कंडीशन में ही जो है वो उसे चार्जिंग पे लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह रैकेट की लाइफ जो है वो कम होती है। दोनों में दोस्तों वारंटी बराबर है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ओरिवा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो नेट एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, और ये हिट से काफ़ी सस्ता भी है। 345 रुपये MRP है, ऑफलाइन आपको 250 से 300 रुपये में मिल जाता है, और ऑनलाइन तो आपको 345 में मिल ही जाएगा। और जो हिट वाला रैकेट है ये आता है आपके पास 470 रुपये में। दोनों का लिंक दोस्तों मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ओरिवा और हिट मॉस्किटो रैकेट का कंपैरिजन का वीडियो? आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, हमेशा की तरह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करा होगा। अगर आपके लिए वीडियो काम करा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे दोनों चैनल्स टेक्नो तपन और तपन गुप्ता दोनों को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अक्सर लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।